हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं साकेत और आप देख रहे हैं आरडीएस ब्लॉग्स। मैं आज सुबह जल्दी इसलिए उठ गया कि नया वर्ष आने वाला है और देवघर में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ नव वर्ष की खुशियां मनाने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तो त्रिकुट पहाड़ चलूँगा और त्रिकुट पहाड़ में आपको सुंदर सुंदर सा नज़ारा त्रिकुट पहाड़ का दिखाने वाला हूँ। त्रिकुट पहाड़ आने का आप बाय रोड भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन से आने के लिए आपको देवघर से दुमका वाली ट्रेन पकड़नी होगी और घोरमारा स्टेशन पे उतरना है, और दुमका से अगर आप आते हैं तो घोरमारा स्टेशन में उतरना है। घोरमारा स्टेशन से त्रिकुट पहाड़ की दूरी 5 किलोमीटर है। आप यहाँ ऑटो से आराम से जा सकते हैं। और भाई, त्रिकुट पहाड़ की कहना ही क्या है, त्रिकुट पहाड़ का नज़ारा ही बस। अब चलते हैं और मिलते हैं रास्ते में। बाय। अभी जो सामने का नज़ारा है ये त्रिकुट पर्वत का है और एकदम हरा भरा सा ये खेतों का नज़ारा, हरियाली ही हरियाली है। जिधर देखें आसपास सब जगह हरियाली। हम पहुंच चुके हैं त्रिकुट पहाड़ के प्रवेश द्वार के पास। बगल में बजरंगबली की मंदिर है और सामने रोड, इसी द्वार से प्रवेश करना है। रोड मान के चलिए कुछ खराफी है। आगे चलते हैं। और यहाँ एक बात भाई, बंदर बहुत हैं। चलेंगे, ये रोपवे जाने का रास्ता है। ₹115 और बगल में ही प्रवेश द्वार रोपवे का। चलते हैं रोपवे की ओर। कैंटीन, खाने पीने की यहाँ पे लेस, कुरकुरे, बिस्किट सब तरह मिल ही जाती हैं। रोपवे से कुछ त्रिकुट पहाड़ के नज़ारे और सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। आइए यहाँ पे और नए वर्ष का आनंद लीजिए। और मान के चलिए अभी ऊपर पहुंच ही चुके हैं त्रिकुट पहाड़ के शिखर पे। अब यहाँ से निकास द्वार है यहाँ से, और कुछ नज़ारे भाई देखे, नज़ारे हैं भाई नज़ारे। ऊपर में इस तरह देखा जाए तो बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर भी हैं जहाँ पूजा अर्चना भी होती है। यहाँ पर है रावण गुफा, ये सामने जो अत्यधिक डरावनी है। ओ भाई क्या देख रहा है।
चलते हैं नीचे। नीचे पहुंच गए और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधे प्राचीन शिव मंदिर की ओर। बाबा को प्रणाम बाबा जी। यहाँ नीचे काफ़ी सुंदर सा मार्केट है, छोटा मार्केट है लेकिन हर एक प्रकार की सामान यहाँ पे मिलती है, घर को सजाने के लिए, महिलाओं के लिए। ये छोटा सा तालाब है नीचे में। अभी पहुंच चुके हैं मंदिर की ओर। जूता चप्पल खोल के अंदर प्रवेश करें। ये महादेव मंदिर पहाड़ों के ऊपर है भाई, हर हर महादेव। ये झरना का तो आज तक किसी वैज्ञानिक ने पता नहीं कर पाया कि कहाँ से आते हैं। ये दुर्गा माँ की टेंपल मंदिर है। जय दुर्गा मैया, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ये झरना का पानी बहुत मीठा लगता है भाई, कभी आओ तो जरूर पियो। जय महाकाल। और अब चलते हैं ऊपर की ओर, आश्रम की ओर। यहाँ है बाबा बजरंगबली की मंदिर। जय श्री राम, जय हनुमान। और ये सामने आश्रम है जो काफी ऊपर है, त्रिकुट पहाड़ आए तो यहाँ पर जरूर आए इतने ऊपर घूमने के लिए। अच्छा नज़ारा है और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है, आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं सामने मंदिर। जूता चप्पल हमेशा यहाँ खोल के जाना पड़ता है अंदर, और फोटो खींचना अलाउ नहीं है इसलिए अंदर जाएंगे नहीं और यहीं से वापस चलेंगे। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर बजाएं। थैंक यू।